वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राशिद बख्श ब्लॉगर। निकल रहे हैं अब मालवीय नगर के लिए। आज हमारी राइड शुरू होगी मालवीय नगर से और पानीकोट। रात सोते सोते 2 बज गए थे, आंखों में नींद है। फिर सुबह 4:30 बजे उठ गया था, फटाफट तैयार हुआ, फिर से निकलना है। एक नए ग्रुप के साथ ये दूसरी राइड है मेरी आज। पिछली राइड मैंने की थी फ्लाई व्हील कैफे, बहुत अच्छा ग्रुप है। इसका नाम है एंजल्स एंड रोड स्ट्रेस, बहुत ही अच्छा ग्रुप है और आज इस ग्रुप के साथ राइड होगी। ये ग्रुप मुझे अच्छा लगा, इसीलिए मैं दूसरी बार जा रहा हूँ, वरना मैं एक बार ही राइड करता हूँ इस ग्रुप के साथ। अगर मुझे पसंद नहीं आता तो मैं दोबारा नहीं जाता। इस ग्रुप की मुझे ये बात अच्छी लगी, इसमें ब्रदरहुड और एक भाईचारा मुझे नज़र आया। सभी बहुत अच्छी तरह से मिलते हैं, बिल्कुल भाई की तरह। पहुँच गए हम ग्रुप में। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। अब सर क्या हाल चाल, सब तैयारी पूरी है? मौसम भी साथ दे रहा है। यू आर लेट। कैसे हो? बस आ गए टाइम पे। और सर? और सर क्या हाल चाल? सर बढ़िया। पहुँच गए कहाँ? मैं उस तरफ था, उस वाले रोड पे। अच्छा पहले वाले रोड पे घूम रहे अंदर। अच्छा मैं कहता हूँ फ्लाईओवर से आए, लेफ्ट रोड से आए थे ना, उस तरफ से ही। हाँ की तरफ से उधर से आए थे, अब वहाँ पे देख रहे तो उधर की तरफ बता रहा, तो अब आइए आगे रास्ता बंद। चलो बढ़िया, पहुँच तो गए। यार सुट्टा खिंच रहा, सुट्टा गुड मॉर्निंग। ओ लावा साहब क्या हाल चाल? आप तो ड्यूटी पे तरह। अब आज 12 बजे की ड्यूटी है, सुन लो। कैमरे के एंगल आपने तो सारे एंगल ले रखे कैमरे के, यहाँ पर भी यहाँ। और बैंक भाई क्या हाल चाल? और कितने लोग आ, सारे लोग आ गए? अभी किसी और का भी डर रहा है राशिद। वो राइड पे नहीं था, कैसे सर? बढ़िया। और सब लोग आ गए? देख लिया, पूरी तैयारी में आ ही रहे हैं। अभी हमारे डॉक्टर साहब चार पांच बंदे हैं। क्या कह रही है मैडम? ये कौन है? परी? अबे आ रही हूँ, लिखा था मैंने तो, कॉल किया हूँ, कॉल ही नहीं उठा रही। 10 मिनट्स इसका हमेशा का यही है यार। अबे ये आती थी तो चाणक्य के साइड से। अच्छा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, आप सोए हो ना? नींद पूरी नहीं हुई लग रहा। सोया हूँ लेकिन मेरी तबीयत खराब थी, तो मैं रात को कफ सिरप पी के सोया था और अभी तक वो नशा। कफ सिरप क्यों पिया था तुमने? नशे के लिए, सस्ते नशे। दोस्तों हमारी राइड हो चुकी है यहाँ से और हम निकल रहे हैं पानीकोट के लिए। ये मालवीय नगर से शुरू हुई है हमारी राइड। अरे यार ये क्या हुआ? उठाओ उनको, एमरजेंसी सेक्रेटरी था ना आगे जो भाई थे। हाँ ये वैसे पीछे था, पीछे था। आगे उठो, आगे लो। ठीक है ठीक है, ओके। रिक्शा आ जाने की वजह से एमरजेंसी ब्रेक लेने पड़े भाई को, एक जिनकी जो है स्कूटी पीछे स्लिप हो गई। ये बारिश का सुहाना मौसम है और राइडिंग के मज़े ले लिए जा रहे हैं। मदरपुर के फ्लाईओवर पहुंच गए हम लोग। बारिश हो रही है दबा करके। ये आगे वाले जो बाइक वाले हैं पीछे बहुत ज़्यादा मिट्टी फेंक रहे हैं भाई। फरीदाबाद के टोल से गुजर रहे हैं हम लोग। अभी साफ क्या है थोड़ा सा गोप्रो, देखते हैं कैसी वीडियो आती है। लग रहा मुझे थोड़ी सी धुंधली है, नहीं भाई साहब से पूछते हैं। हेलो क्या हाल चाल? ये देखो शीशा गंदा है, साफ है? साफ है। क्या हो गया?
यहाँ पर राइड हो रही, राइड पहाड़ों पर भी कंटिन्यू राइड होती रहती है चाहे बारिश हो कुछ भी हो। नहीं 60 की स्पीड रहती बस, 50-60। ऑफ रोड राइडिंग करते हुए सभी राइडर्स, ये ऑफ रोड राइडिंग के मजे हैं, खड़े होकर निकाल लो। ऐसे निकलेगी ये, ये, ये। बारिश लगातार हो रही है, राइडिंग भी लगातार हो रही है। क्या ग्रीनरी है हरियाणा की, बहुत ही मस्त। सुबह सुबह का मौसम है, सुहाना मौसम है, ज़बरदस्त ग्रीनरी है, खुशी। देखो इन बच्चों को कितने खुश हो रहे हैं। एक छोटा सा गांव है बीच में, इसको पार करते हुए निकल रहे हैं। बच्चों के रिएक्शन देखने वाले होते हैं, कितने खुश हैं बच्चे मोटरसाइकिल सारी एक साथ देखने के। हम अक्सर जब भी पहाड़ों पे जाते हैं तो हमें वहाँ पर बच्चे मिलते हैं, तो हम उनके लिए थोड़ा टॉफ़ी वगैरह रख लेते हैं, चॉकलेट टॉफ़ी छोटे छोटे आइटम, तो बहुत खुश होते हैं बच्चे वहाँ पर। हमें यहाँ पर भी पता नहीं था इधर बच्चे मिलेंगे, हम यहाँ पर ले लेते। चलो भाई ऑफ रोडिंग, ऑफ रोडिंग। छोटी सी करूँगा मैं वाटर क्रॉसिंग, तो ये उधर से घूम कर के आए हैं, लेकिन यहाँ पर इनकी बाइक फंसती हुई नज़र आ रही है जो काफ़ी गहरे में चला गया है भैया, और स्लिप भी मार रहा है। ओ भाई ऑफ रोड वाले टायर नहीं हैं इनके, फंस गई है। और भाई आ रहे हैं मुर्गे निकल के, लामा भैया की बाइक फंस गई है, हेल्प कर रहे हो, हेल्प करो, हेल्प की ज़रूरत है भाइयों। हो गया खुश, वीडियो बन रही है, ओ निकाल दो, वेरी गुड। राइडिंग करने का ये जुनून एक राइडर बनाता है। इनकी बाइक पे काफ़ी लोड है क्योंकि सारा सामान सारी जिम्मेदारियां इन्हीं के कंधों पर हैं, थोड़ी थ्रॉटल देते हुए डूबेगी, पूरी जिम्मेदारी के साथ भाई आते हुए आराम आराम से। पहले गियर में आराम आराम से, क्योंकि लोड काफी है गाड़ी बाइक के। बहुत अच्छे, इनकी बाइक तो हल्की है क्योंकि सामान नहीं है ज्यादा नहीं रहे, बहुत ही बढ़िया। चलो शुरू करते हैं अब। तो दोस्तों पहुंच गए हैं पानीकोट, और पानीकोट की खूबसूरती आप देखिए, ज़बरदस्त व्यू है यहाँ पर, बहुत ज़बरदस्त व्यू है।
बहुत ही शानदार व्यू है, दिल खुश हो गया, क्या नज़ारे हैं। और कुछ भाई पहले से आए हुए हैं यहाँ पर, ये शायद कोई और ग्रुप है, चार पांच लोगों का ग्रुप आया हुआ है, एंजॉय कर रहे हैं साइड। हम थोड़ा आगे जाएंगे क्योंकि हमारे साथ जो एक भाई हैं वो आगे चले गए हैं, उनके पीछे पीछे पहुँचेंगे। भाई नज़ारे इतने अच्छे हैं ना, दिल खुश हो गया, सारी मेहनत वसूल हो गई, शानदार। आने दो, बारिश के मजे लेते हुए राइडर। बारिश में राइडिंग का मजा। ये पूरा ग्रुप है हमारा, बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ से। और एस जी भैया भी आ गए, टोटली पूरा ग्रुप हमारा आ गया यहाँ पर। ग्रुप का नाम है एंजल्स एंड रोड स्ट्रीट। सभी राइडर्स पहुंच रहे हैं, कहां तक पहुंच गए भाई, चलो। शानदार व्यू के साथ लवली। बारिश ने इस लेक की खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ा दी। अभी भाई राइडर हमारे आ रहे हैं, चलो जी हम भी थोड़ा सा स्टे कर लेते हैं। पहाड़ों की राइड पर प्रैक्टिस हो जाती है अच्छी यहाँ पर। मगरमच्छ भी है देखना पड़ेगा, चेक करने के लिए। इसके लिए जाना पड़ेगा, नीचे उतरना पड़ेगा। अभी उतरा है लड़का, ये बताएगा अभी। अच्छा, अरे आपने कहाँ से ज्वाइन करा? अस्सलाम वालेकुम, तो वही मालनगर से। अच्छा, वहाँ नहीं थे उस टाइम। बाकी मजा आ गया राइड करके, ये बारिश में भीग-भीग करके आ रहे हैं हम लोग। सभी राइडर ने अपना हक अदा किया है, और सभी राइट इसी को राइट बोलते हैं। हाँ जी बिल्कुल, ये नहीं कि बारिश हो गई थोड़ी सी यार हम नहीं जा रहे हैं, वो राइडर थोड़ी होता है। राइडर को कोई बारिश नहीं रोक सकती, जिसने जहाँ पहुँचना है पहुँचना है। जब मान लो आप पहाड़ पे जाओगे, लद्दाख जाओगे, तो क्या बारिश की वजह से ड्रॉप कर दोगे अपना, कहीं स्टे कर लोगे या दो चार दिन के लिए? ऐसा नहीं होता ना, कंटिन्यू चलना होता है पहाड़ों पर, कंटिन्यू चलना होता है। रात के 12 बजे भी तक अगर बारिश हुई, हमने पिछली बार हम गए थे पराशर लेक, तो पराशर लेक पर किरतपुर से बारिश शुरू हो गई थी, तो यानी कि 12:30 बजे हम वहाँ से निकले थे, और रात को 2 बजे तक हमने राइड करी। 2 बजे तक अंधेरे में, 2 बजे तक पहाड़ पे गए हम ऊपर पराशर लेक, और नहाते हुए बारिश में। बारिश रुकी नहीं तो हम भी नहीं रुके मैंने कहा रुकने का फ़ायदा नहीं है, कब तक पता नहीं, कोई पता थोड़ी बारिश का कब रुकेगी, तो उससे टाइम इतना वेस्ट नहीं कर सकते। तो ये राइडर के लिए बहुत ज़रूरी है।
चलो वहाँ ऊपर चढ़ाने की कोशिश करते हैं। खुद ही को कर बुलंद इतना कि चढ़ जा सबसे ऊंची पहाड़ी पर। अब खुदा बंदे से खुद पूछे कि उतरेगा कैसे। लास्ट टाइम आए थे हम वहाँ बैठे थे जहाँ पे ना, हाँ अल्टीमेट जगह वो, वहाँ पे ना पूरा वो है, पानी वानी है। अच्छा पानी अंदर जा भी सकते हो। हाँ यहाँ नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ गहरा है। इधर गहरा है? इधर गहरा है। ओके तो हमारे साथियों ने वहाँ कैंप लगा लिया है। वहाँ चले वहाँ ऑफ रोड राइडिंग के मजे लेते हुए इन पहाड़ों पे आना आसान नहीं है, ना बाइक चलाना आसान है, बहुत ही एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। इसी की प्रैक्टिस के लिए आते हैं यहाँ पर सब लोग, ताकि पहाड़ों पे जा करके सेफली राइडिंग कर सकें। अली बाबा 44 खजाना है ये, खाएंगे पियेंगे और इंजॉय करेंगे सभी राइडर्स। जो भी करना है यहीं करना है, क्या जो भी करना है ये करना है। मुझे नहीं पता ये खुराफाती उठी कहां से गाइस, ये कोई बोले नहीं मतलब। भाई सबसे रिक्वेस्ट है जिसके पास कच्चा हो वो जाए अंदर। क्यों भाई सारे गीले अंदर तक, पैसे गीले सब क्या देख के वर्क पड़ रहा है सभी गीले। ये पहले से पानी नहीं छोड़ रहे, बाद में क्या करोगे। चलो मैं तैरने नहीं आता, झूठ बोल बता भी नहीं पाएगा कोई। हेलो एक ही बार करना सब काम और क्या। पैर चलाता रहे हाथ बिल्कुल ऐसे यूं करता है हाथ और पैर चलाता रहे, तू तैर लेगा तू डूबेगा नहीं। स्विमिंग का बेसिक इज ऑलवेज लेग, ब्रह्मपुत्र पार करके आते हैं है? ब्रह्मपुत्र पार करके आते हैं ना, अच्छे ना डुबा पाए ब्रह्मपुत्र को भी नहीं पैदा हुए। मैं कमर पे पैर रखा था दोनों और ऐसे खींच रही थी नहीं, ये स्विमिंग ये भी डूबने को हो रही थी उस वक्त, डूबने को नहीं हो रही थी, मेरे को पकड़ के लाते मार मार के मेरे अंदर डुबा जब वहां मैं इसका हाथ पकड़ा। अच्छा वो एक्चुअली क्या है इसकी सांस टूट गई। हां तो मेरा भी यही हुआ। यस भैया नहीं आए, देखो ट्राई करो। यस भैया नहीं आए, ट्राई करो। हेलो करो, थैंक यू एल्फन लिपि के लिए। कुछ भी हो ज्ञान में आओ, तुम्हारा एक्शन बढ़िया था। ओ बस उड़ गया, ओ मन ओ नो टूट टूट गया ऊपर बनने दो भाई, एक्शन बढ़िया था। मेरे पानी में कभी नहीं था, मेरा दोस्त यहां बैठ गया। मैं जब कभी राइड पे जाता हूं अब लंबा चल रहा है, आपका वीडियो बहुत अच्छा है, कोई नहीं इसलिए मैं बार-बार आपका वीडियो में आऊंगी। आ बकरी 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 बंगाली बंगाली बकरी कौन सी है, बंगाली बकरी कौन सी है, सारे बंगाली हो गए आगे पीछे भी बंगाली। अच्छे सब अच्छे शानदार और बहुत जबरदस्त व्यू पानीकोट का, फरीदाबाद में है ये हरियाणा, पानी भी एकदम साफ है बिल्कुल।
वाओ, पानी दो कितने के ले रहे? हिस्सा है तू अब तो मेरे दिल के जज्बात। चलो दोस्तों हिमालय की राइड ट्राई करते हैं, जो बहुत ज़्यादा हार्ड है शुगर इसकी। और अब हम निकलने वाले हैं यहाँ से, खूब इंजॉय किया यहाँ पर, बहुत अच्छा टूर रहा, बहुत मज़ा किया, खाया पिया, बहुत मज़ा किया। शानदार व्यू, मौसम भी बहुत अच्छा हो गया है। ओ वेरी गुड लांबा भाई, शानदार। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट काका, भानु काका। आराम से सारे छोड़ा, इनका स्टाइल यही है। चलो 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 चलो, हाँ यहाँ से निकाल लो बढ़िया, ये ठीक है, ये वाला रूट सही है। इधर गार है बहुत ज़्यादा, फंस जाती जाती, देखना मत पैर। हाँ एक चीज़ है, आ जाओ हर भैया इधर से आ जाओ। सबने पार कर लिया, अभी और आ जाओ, मुश्किल है। ये भी आ गई। ओ भैया हमारे बाल, चलो भाई चलो आगे बढ़ो। वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और हमारे वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और बहुत बहुत शुक्रिया एंजल्स ग्रुप का, राइडिंग फीवर क्लब की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, राशिद बख्श की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय।